एक तो इसमें टोकरियाँ लगते हैं, न्यूट्रिशन लगते हैं, ताकि जो ये केमिकल्स लगते हैं वो हमने लाए हैं, फिर मोटर लगाया इसमें। इसमें इजाफा ये हो सकता है कि जिनके पास ज़मीन नहीं है उनके लिए बहुत अच्छा है ये, जिनको सब्ज़ी की किल्लत होती है घर में, बाज़ार से लाने पड़ते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है ये, और रहेगा ये उनके लिए बहुत ही अच्छा, ये उनके लिए बहुत ही अच्छा है। और हम ये किसी टेरेस में लगा सकते हैं, किसी कमरे में लगा सकते हैं, मगर धूप पड़नी चाहिए उसके लिए, तो ये बहुत अच्छा है, ज़मीन से बहुत अच्छा है। ज़मीन में खेती बाड़ी करनी पड़ती है, उसमें घास वगैरह निकालने पड़ते हैं, इसके लिए घास वास की टेंशन नहीं है, सीधे ये पेड़ पौधा लगाने पड़ते हैं तो ठीक से चल रहा है। फिलहाल हमने सब्ज़ी एक दो बार खाई, इसकी बहुत अच्छी है, फिर अच्छे से चल रहा है। वैरायटी है, हर कोई वैरायटी लगेगी इसमें, जो ज़मीन के नीचे वैरायटीज़ लगती है वो नहीं लगेगी इसमें। अगर इसके लिए कुछ ये बनाएंगे, छत लगाएंगे इसके ऊपर से, तो ये सहन में भी रह सकते हैं अच्छे, है ना। केमिकल्स लगते हैं, केमिकल्स वो ख़राब हो जाता है, फिर इसको ज़रूरी छत होना चाहिए, बर्फबारी से ये ख़राब हो जाएगा। एक्चुअली हमारे साथ ज़ोर साहब है, ज़ोर साहब जो इसका इंजीनियर है, उसने बताया क्या करना है, हमने उसके बाद पाइप लाई है, उसके बाद हमने ये बनाया है, इसको फरमे से हमने काटा है, फिर हमने पाइपें वाइपें लाई है, स्टैंड वटैंड बनवाया था, फिर उसके बाद हमने काटा इसको, ये फरमे से हमने काटे इसके साइज़, फिर हमने इसके जो चीज़ लगते हैं हमने वो लाए है। एक तो इसमें टोकरियाँ लगते हैं, न्यूट्रिशन लगते हैं, बाकी जो ये केमिकल्स लगते हैं वो हमने लाए हैं, फिर मोटर लगाया है इसमें। पिछले दो तीन महीने से उतनी ज़रूरत भी नहीं है पावर सप्लाई की, अगर इसमें हम एक नलके का कनेक्शन डालेंगे ऊपर से, इसको जहाँ से पानी सर्कुलेट होते हैं इसके, वहाँ से अगर हम नलके के एक कनेक्शन डालेंगे उससे भी पानी सर्कुलेट हो जाएंगी, मगर नीचे से उसके लिए एक ड्रेन डालनी पड़ेगी उसको, जो उसको ओवरफ्लो, जैसे टैंकी का ओवरफ्लो होते हैं, उसका भी डालना पड़ेगा हमें, एक पाइप डालनी पड़ेगी, वो एक ड्रेन या ड्रेन में डालनी पड़ेगी, तो फिर ठीक रहेगा। मतमईन है इसमें, हम इसमें मतमईन है, ठीक है, फिलहाल अच्छे से चल रहे हैं। फिलहाल हमने सब्ज़ी एक दो बार खाई, इसकी बहुत अच्छी है, फिर अच्छे से चल रहा है ये। वैरायटी है, हर कोई वैरायटी लगेगी इसमें, जो ज़मीन के नीचे वैरायटीज़ लगती है वो नहीं लगेगी इसमें। मैं पहले रोशनी तो ज़रूरत ही ज़रूरत है, वो तो किसी भी सूरत में इसको होनी चाहिए, और नलके से भी बेहतर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन रहेगा इसको, वो भी बेटर है इसके लिए, क्योंकि इसमें इन्वर्टर का कनेक्शन लगेगा, ये कंज्यूम 10 वाट का पावर करता है बस, उससे ज़्यादा नहीं लेता ये। और हम ये किसी टेरेस में लगा सकते हैं, किसी कमरे में लगा सकते हैं, मगर धूप पड़नी चाहिए उसके लिए, तो ये बहुत अच्छा है, ज़मीन से बहुत अच्छा है। ज़मीन में खेती बाड़ी करनी पड़ती है, उसमें घास वगैरह निकालने पड़ते हैं, इसके लिए घास वास की टेंशन नहीं है, सीधे ये पौधा लगाने पड़ते हैं, तो ठीक से चल रहा है। ये अपनी मर्ज़ी है, जहाँ पर भी लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा है, सहन में भी अच्छा है। अगर इसके लिए कुछ बनाएंगे, कोई एक बनाएंगे, छत लगाएंगे इसके ऊपर से, तो ये सहन में भी रह सकते हैं अच्छे, ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो ये है ना केमिकल्स लगते हैं, केमिकल्स वो ख़राब हो जाता है, फिर इसको ज़रूरी छत होना चाहिए, बर्फबारी से ये ख़राब हो जाएगा। तो आप बताइए कि जो मकल्चर है उनका क्या रोल है इसमें? उनका, उन्होंने बहुत मदद किया हमें इसके लिए, उन्हीं के कहने पे हमने ये किया है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरा, फिर उन्हीं की बदौलत ये चल रहा है।
हूँ।